हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेज के मार्जिन से जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा ब्रोकरेज प्लान आपके लिए सही है। क्या आपके लिए प्राइम 4999 का सही है या नियो प्लान सही है। ओके, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, जिनको नहीं पता हो उनको मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो भी इक्विटी में स्टॉक्स हैं, सपोज करिए आपके पास 10 लाख के स्टॉक्स हैं इक्विटी में। ओके, इसको जब आप प्लेज कर देंगे तो आपको अराउंड 7.5 लाख की आपको लिमिट मिल जाती है, जिससे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स को मेनली आप बाय और सेल कर सकते हैं, ऑप्शंस को मेनली आप इसके थ्रू सेल कर सकते हैं। ओके, तो इस पैसे से जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन सा ब्रोकरेज प्लान आपके लिए बेटर है। बेड में इधर ही होगा, हाँ तो फिर तो वही जाना बाहर, तो फोन लगा लो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ। सपोज करिए आपने प्लेज करके आपने 5 लाख का मार्जिन ले रखा है। ओके, और हम बात करेंगे एक लॉट निफ्टी की। एक लॉट हम फ्यूचर बाय करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, फिर एक लॉट ऑप्शन सेल करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए आपके पास प्राइम प्लान है, प्राइम 4999 का आपके पास प्लान है, और आपने एक लॉट निफ्टी बाय किया। ठीक है, जब आप एक लॉट निफ्टी बाय करेंगे तो आपकी कितनी ब्रोकरेज लगेगी। यहां पर निफ्टी का ओवरऑल जो है वो 8 लाख की निफ्टी होती है करीब करीब। ओके, और जो प्राइम 4999 में ब्रोकरेज प्लान है फ्यूचर का है वो 0.01% का है। इसका मतलब 1 लाख पे आपका यहाँ पर कितना लगेगा, 10 रुपये। तो 8 लाख पे कितना लगेगा, 80 रुपीज। तो यहाँ पर जो है आपकी 80 रुपये की ब्रोकरेज लगी। ठीक है, आपके पास 5 लाख शेयर सेट मार्जिन के प्लेस थे, आपने एक लॉट निफ्टी खरीदा जिसकी वैल्यू होती है 1,10,000 अगर आप कैश में खरीदते हैं, बट आपको यहाँ पर खरीदने मिल गया क्योंकि आपके पास शेयर सेट मार्जिन के पैसे थे 5 लाख रुपए, उसमें से आपने 1,10,000 की निफ्टी खरीद ली। बट आपकी ब्रोकरेज जो है वो टोटल उस पर लगती है, टोटल वैल्यू पर, तो आपकी 80 रुपये ब्रोकरेज लग गई। अब आप इसे जो है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, अलग से आपको यहाँ पर कोई पैसा देना नहीं होता, आपके सिर्फ यहाँ पर 80 रुपीज लगेंगे। ओके, 80 रुपीज बाय के लिए और 80 रुपीज सेल के लिए, तो टोटल 160 रुपीज की आपको यहाँ पर ब्रोकरेज देनी है। अगर आप इसमें GST मिला लें तो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 200 रुपये। तो 4999 प्लान के साथ आप निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर बाई कर सकते हैं जिसमें आपको ओवरऑल 200 रुपये की ब्रोकरेज देनी है, और जिसको आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, और आपको कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, बट अगर आपके पास नियो प्लान है, आपके पास नियो प्लान है तो क्या होगा, आपने एक लॉट जो है वो निफ्टी का बाई किया। ओके, एक लॉट निफ्टी बाई करने के लिए कितना लगता है, 1,10,000 रुपये। हम मान लेते हैं कि चलिए 1 लाख लगता है, 1 लाख। ठीक है, अब आपके 5 लाख में से 1 लाख आपने यूज कर लिए किसमें, एक लॉट निफ्टी को बाई करने के लिए। ओके, अब यहां पर आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, ब्रोकरेज आपकी हो गई 0। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में नियो प्लान के साथ ब्रोकरेज जो है वो 0 है। ठीक, अब आपने इसको ओवरनाइट होल्ड कर लिया, तो जब आप ओवरनाइट होल्ड करेंगे नियो प्लान के साथ तो यहां पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट लगता है नियो प्लान के साथ,
काफी बार मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी का इंटरेस्ट रेट है 9.9%, ओके। तो जब 9.9% है तो कितना लगेगा, 1 लाख का 9.9% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, जो कि करीब बैठते हैं 27 रुपये 12 पैसे, ठीक है। तो अगर आप नियो प्लान लेते हैं, 1 लॉट निफ्टी वाई करते हैं, आपकी ब्रोकरेज 0 लगती है, बट आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 9.9% पर डे के हिसाब से, ओके। तो अगर आप इस निफ्टी फ्यूचर की पोजीशन को 10 दिन तक होल्ड कर लेते हैं, 10 डे, तो आपको कितना यहाँ पर लग जाएगा, 270 रुपये आपको देना पड़ जाएगा, क्या, इंटरेस्ट। अगर आप 5 दिन होल्ड करेंगे तो कम लगेगा, और कम दिन होल्ड करेंगे तो और कम लगेगा। अगर आप इसको पूरे मंथ तक होल्ड करेंगे, 20 दिन होल्ड करेंगे, तो इसमें 270 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो नियो प्लान के साथ आपको इतना पड़ेगा। अब सपोज करिए आप इंट्राडे के लिए बाई कर रहे हैं, आप इंट्राडे के लिए बाई कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज कितनी लगी, 0, इंट्राडे में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आप एक निफ्टी का फ्यूचर बाई करके सेल कर देंगे और आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी, 0, कोई भी एक्स्ट्रा अदर आपको चार्ज नहीं लगेगा, टैक्सेस छोड़ दो, मैं टैक्सेस की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के टैक्स लगते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय और सेल कर लेते हैं कितने में, 0 में, पर आप इंट्राडे में अगर 4999 के साथ करते हैं तो आपको कितना देना पड़ रहा है यहाँ पर, 80 रुपये, टोटल 200 रुपीज देना पड़ रहा है। तो सीधे सीधे आपको 200 का बेनिफिट है। लेकिन अगर आप निफ्टी का 1 लॉट फ्यूचर को होल्ड करना चाहते हैं मंथ के एंड तक, ओके, या फिर आप पोजिशनल में ट्रेडिंग, पोजिशनल में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो प्राइम में कितना लग रहा है, 200 रुपये, और नियो में कितना लगेगा, पर डे का 27 रुपये के हिसाब से आपका चार्ज होगा। अब आप कितने दिन होल्ड करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। 10 दिन होल्ड करेंगे तो 270 लगेगा, जो इसके जिससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 दिन करेंगे तब आपके लिए नियो बेटर कहलाएगा, किससे, प्राइम प्लान से, ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इंट्राडे में या फिर पोजिशनल सिर्फ 1 दिन के लिए बनाते हैं, 1 डे, तब आपके लिए न्यू प्लान बेटर है। जब कब आप 1 लॉट में काम कर रहे हैं, अगर आपके लॉट साइज ज़्यादा है, अगर आपके 5 लॉट हैं और अगर आप ओवरनाइट उसमें बाई करेंगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, ठीक। तो होप आप अब कंपेरिजन कर पा रहे होंगे कि प्राइम लेना है मेरे को फ्यूचर बाई करने के लिए कि मेरे को न्यू लेना है अपनी पोजीशन के हिसाब से। कोई इंट्राडे करता है, कोई ये सिर्फ ओवरनाइट होल्ड करता है, कोई अगले महीने का बाई करके रख लेता है, मतलब 15 दिन 20 दिन के हिसाब से। तो सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं ट्रेडिंग करने की। तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि आपको प्राइम लेना है कि न्यू लेना है। ये तो हो गई फ्यूचर की बात, आप करते हैं ऑप्शन की बात, ओके। ऑप्शन में भी हम 1 लॉट की बात करेंगे, आप इसको अपने नंबर ऑफ लॉट के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो 1 लॉट आप निफ्टी का सेल कर रहे हैं, ऑप्शन चाहे कॉल कर रहे हैं चाहे पुट कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। तो 4999 प्लान के साथ आपकी कितनी ब्रोकरेज लगेगी यहाँ पे, 10 रुपये पर लॉट, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे 5 लाख है तो हम यहाँ पर 3 लॉट सेल कर लेंगे, तो अपन 3 लॉट की बात करते हैं। तो 3 लॉट में आपकी कितनी ब्रोकरेज लगेगी यहाँ पर, 30 रुपये, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगना। तो 30 रुपये आपका किसका लगा, भाई का लगा सेल करने का, जब आप एग्जिट करेंगे तो 30 रुपये फिर से लगेगा, तो 60 रुपये आपका यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 लॉट। अब बात करते हैं नियो के साथ। नियो के साथ जब आप 3 लॉट को सेल करते हैं ऑप्शन को, तो आपको कितना लगेगा, 20 रुपये पर ट्रेड। आप 3 लॉट करें, 1 लॉट करें, 30 लॉट करें, उससे मतलब नहीं, 20 रुपये खरीदने का और 20 रुपये बेचने का, आपको कितना लग गया यहाँ पर, 40 रुपये, ओके। तो पर 3 लॉट में कम है, अगर यहाँ पे 4 लॉट हो जाएगा तो ये 40-40 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 4 लॉट तक दोनों का सेम है, 4 लॉट तक यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि 4 लॉट तक इसको कितना लगेगा, 40 रुपये लगेगा। 4 लॉट तक आपका जो ब्रोकरेज है वो सेम रहेगा, किसमें, नियो में और 4999 में। अगर आप 10 लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा, 100 रुपये, और 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 40 रुपये ही होगा। तो अगर आप 4 लॉट तक ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में या उससे कम में करते हैं,
और निफ्टी ऑप्शन में सेलिंग करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको कौन सा लेना है, 4999 का लेना है, चार लॉट या उससे कम में ऑप्शन सेलिंग करते हैं आप, तो आपको नियो प्लान के साथ नहीं जाना है, आपको किसके साथ जाना है, प्राइम 4999 के साथ, क्योंकि ये यहीं पे सस्ता दिख रहा है। अब बात करते हैं आगे, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, ये क्यों बोल रहा हूँ 4999 लेना है। अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप होल्ड करते हैं, वैसे ऑप्शन सेलिंग लोग ओवरनाइट करते हैं, एक्सपायरी के पहले करते हैं, दूर का सेल करते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, और अगर आपने चार लॉट होल्ड कर लिए, अब मान के चले एक लॉट 1,00,000 रुपये का आता है, तो चार लॉट कितने के हो गए, 4,00,000 रुपीज़ के हो गए, ठीक है। चार लॉट को जब आप ओवरनाइट होल्ड कर देंगे तो आपकी कितनी ब्रोकरेज लग जाएगी, 108 रुपये आपकी यहाँ पर ब्रोकरेज, सॉरी इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाएगा ओवरनाइट में, और ब्रोकरेज कितनी लगी, 40 रुपये लगी, तो ओवरऑल आपका कितना लग गया, 148 रुपये आपको यहाँ पर ओवरनाइट होल्ड करने का लग जाएगा, अगर आप चार लॉट की निफ्टी ऑप्शन को सेल करते हैं। बट वहीं पर अगर आपने चार लॉट का ऑप्शन सेल किया होता 4999 प्लान के साथ, तो आपको कितना लगता है, 40-40-80 रुपये। तो आप ये देख रहे हैं कि चार लॉट में आप किस में बेनिफिट है, आपको आपको बेनिफिट है 4999 में, ठीक है। ओवरनाइट में अगर देखें हम तो पांच लॉट पर भी 4999 बेटर है, छह लॉट में भी बेटर है, आठ लॉट के बाद जो है सात लॉट में आपको कितना लगेगा, 140। सात लॉट है मतलब 70 रुपीज़ बाय के लिए और 70 रुपीज़ सेल के लिए, तो इसका हो जाएगा 140। यहाँ पर सात लॉट भी करेंगे आप तो आपको कितना लगना है ब्रोकरेज, 40। बट आपका यहाँ इंटरेस्ट जो है, सात लॉट मतलब 7,00,000 रुपीज़, तो यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे, तो कौन सा बेटर है ओवरनाइट में, आपका बेटर है 4999 का प्लान, ठीक है। तो आपको क्या कंक्लूजन मिलता है ऑप्शंस के लिए, अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं, हमको ये कंक्लूजन मिलता है यहाँ पर कि अगर आप इंट्राडे में चार लॉट से ज़्यादा में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शन में सेलिंग करते हैं चार लॉट से ज़्यादा, तब आपको जाना है नियो प्लान के साथ, ठीक है। अगर आप इंट्राडे में चार लॉट या उससे कम में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम 4999 के साथ जाना है, ओके। और अगर आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं तो आपको किसके साथ जाना है, आपको सिर्फ जाना है 4999 के साथ में, आपको नियो प्लान नहीं लेना है, वो आपको महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, ठीक है। तो होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ पर क्लियर हो आपको, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।